नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया वो कौन सा लोकतंत्र था को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार भाई पटेल होते, तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के साथ न होता। नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी के साथ जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उसकी तीसरी श्रृंखला में आज हम प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकसभा में भाषण था उस पर चर्चा करेंगे उमले जी न्यूज क्लिक में एक बार से फिर से आपका स्वागत है प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण दिया काफी एग्रेसिव तौर पे भाषण दिया पर उसमें कई सारे फैक्ट्स ऐसे थे जो पूरी तरह से गलत थे पर मीडिया का जो प्रोजेक्शन है उस पूरे स्पीच का वो ऐसा है कि जैसे ये 2019 के लिए चुनावी बिगुल की तरफ इस स्पीच को आप कैसा देखिए मैं समझता हूँ कि मोदी जी जिस तरह का एक प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने और काफ़ी समय गुजार चुके हैं 2019 में फिर से उनको नया जनादेश लेना है तो जिस तरह का उनको जन समर्थन रहा है ये तो हम मानेंगे कि जन समर्थन रहा तभी इतना बहुमत मिला तो जो स्टेट्समैनशिप एक दिखानी चाहिए थी एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको आ, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई देखिए राजनीतिक दल उसकी विचारधारा वो अपनी जगह है उससे किसी का मतभेद हो सकता है एक उनकी पार्टी के नेता के तौर पे किसी की आलोचना हो सकती है लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ दिस कंट्री बहुत बड़े देश के और बार बार वो बोलते हैं कि भाई एक सौ पच्चीस करोड़ एक सौ तो तीस करोड़ का नाम लेते हैं कि मैं उनकी ओर से बोल रहा हूँ तो जब आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज़ ए प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट तो आपकी स्पीच महसाना की चुनाव रैली से अलग होनी चाहिए आप चुनाव रैली और संसदीय बहस और माफ़ कीजिएगा चूँकि मैंने पार्लियामेंट और विधानमंडलों को लगभग तीस वर्ष कवर किया है पार्लियामेंट को दो दशक मैंने कवर किया है तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है और उस पर जो चर्चा शुरू की जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है किसी भी सरकार के लिए क्योंकि वो एक तरह से स्टेटमेंट होता है सरकार की तरफ से जो राष्ट्रपति जी के माध्यम से सामने आता है और उस पर चर्चा इनिशिएट होती है तो जिस तरह की उन्होंने चर्चा का जिस तरह से जवाब दिया जिस तरह की बातें कहीं वो बताती हैं कि उस पूरी संसदीय जो एक परंपरा है लिगेसी हमारी है आई मीन जो मूल्य हैं संसद के कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा भटकाव था और एक चुनावी रैली जैसा वो भाषण था उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि तथ्य भी बहुत सारे गलत थे और तथ्य तो अक्सर इतिहास की जब वो चर्चा करते हैं मोदी जी तो, तो, तो अजीब अजीब बातें बोलते हैं कभी तक्षशिला को बिहार में कर देते हैं कभी बेनजीर भुट्टो के साथ शिमला समझौता करा, करा है। देते हैं इंदिरा जी का जो इस बार उन्होंने कराया तो लेकिन ये आ, आ, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जैसे इतिहास के बारे में अब वो कांग्रेस के बारे में बातें बहुत सारी कह रहे थे महात्मा गांधी के ड्राफ्ट के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे थे देखिए इतिहास के साथ जब आप प्रधानमंत्री बोलता है इतिहास पर जब किसी घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री बोलता है तो बहुत बड़ा दफ्तर है उसका आई मीन जो उसके स्पीच राइटर होते हैं इतिहास की दर्शन की और शास्त्र की वैदेशिक मामलों की डिप्लोमेसी की हर क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोग होते हैं मैं नहीं जानता किस तरह की बहस में क्या उन्होंने सहयोग अपने अपने सहकर्मियों से लिया या नहीं लिया लेकिन अब जैसे उन्होंने कहा कांग्रेस को डिसबैंड करना चाहिए गांधी ने कहा बिल्कुल कहा और ये अपने अपने, अपने 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 मारे जाने मैंने हत्या जब गांधी जी की हुई थी निशन सत्या उसके एक दिन पहले उन्होंने वो ड्राफ्ट पेश किया था लेकिन वो ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट था और दूसरी बात कि उसी ड्राफ्ट में एक लाइन है जिसको भूल गए कि जब तक जनता चाहेगी कांग्रेस सर्व करती रहेगी जनता को ये ये भी लाइन है दूसरी बात कि वो लोक सेवक संघ जैसी कोई चीज़ या लोक सेवक एक संगठन जैसी कोई चीज़ बनाना चाहते थे अब उनकी अपने सोच था लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब इन चीज़ों को तय किया क्योंकि वो एक प्रारूप था उनका निजी तौर पे तो वो उसने कायम रखा हमारे संविधान में वैसे भी पार्टी सिस्टम नहीं है पूरे संविधान में कहीं भी आप दिखाइए कि पार्टी सिस्टम है कहीं कहीं नहीं है आ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपने को डिस्पेंड करेगी अगर गांधी के कहने पर वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो भाई बीजेपी क्यों फिर तो पार्टी सिस्टम जो अपने देश में है ये दल बदल विधेयक जो है जितने सारे आपने किए हैं वो सब एक तरह से बिल्कुल बाद की सोच है तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर मोदी जी का जो सोच है वो काफी न केवल गड़बड़ है बल्कि भटकाव है साथ ही साथ लगातार एक तरफ तो जब वो गांधी फैमिली पे लगातार हमले करते आ रहे हैं पर जब विकास की बात होती है तो हर समय नेहरू को अपने साथ में खींच लाते हैं और एक कश्मीर का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे भाषण में उठाया है वो भी तथ्य बिल्कुल गलत कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया और सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा हो जबकि ऐसा था नहीं ये ये क्या दर्शा रहा है? दरअसल ये एक अजीब बात है कि आरएसएस के लोग बीजेपी के लोग ये बार बार कहते रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को संसद में ये बात नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि मैं दोनों में अलगाता हूँ प्रधानमंत्री और बीजेपी के टॉप नेता वो किसी चुनाव रैली में या अपनी पार्टी की रैली में कहीं कहते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि आरएसएस की पुरानी लाइन है कि भाई आप ये ठीक है मैं निजी तौर पे मानता हूँ इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते कि कांग्रेस पार्टी में अनेक धाराएं थीं एक जमाने में और आज भी बहुत सारी धाराएं हैं लेकिन एक जमाने में तो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही एक अम्बरेला किस्म का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें एक वामपंथी भी थे उसमें सोशलिस्ट भी थे उसमें कांग्रेसी जो सेंट्रिस्ट थे इसके अलावा राइट विंगर्स का एक बहुत बड़ा तबका था और सरदार पटेल को पूरी इज्जत देते हुए मैं कहूँगा कि वो एक राइट विंगर थे इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो आज के जो ये जो कम्युनलिज्म बेस्ड जो या कम्युनलिज्म को एक एक मूल्य या एक विचारधारा के रूप में माने वाले जो संगठन आज के हैं वो उनकी तरह राइट विंगर नहीं थे और यही कारण है कि उन्होंने कई अगर गलतियां भी कें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी किए लेकिन ये कहना कि नेहरू और पटेल दोनों विलोम थे अपोजिट थे ये हास्यास्पद है ये इसलिए हास्यास्पद है कि भाई गांधी की हत्या के बाद तो आप आरएसएस पर बैन तो उन्होंने लगाया और ये कहना कि जो भी कश्मीर में गड़बड़ हुआ वो नेहरू के कारण हुआ ये इतिहास की नासमझी के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि मैं संयोगवश इतिहास में कश्मीर का भी एक विद्यार्थी हूँ और कश्मीर के मामले में जो कुछ फैसला था उसमें गृह मंत्री की बहुत अहम भूमिका थी बीपी मेनन साहब स्वयं जो है लगातार कंसल्टेशन दोनों से करते थे और बीपी मेनन मेन मेन निगोशिएटर विद महाराजा हरि सिंह एंड हीज प्राइम मिनिस्टर वेदर वो रामचंद्र काक का जमाना रहा हो या उसके बाद के प्रधानमंत्री का जमाना रहा हो महाराजा हरि सिंह के तो ये कहना कि पटेल पटेल जो एक्सेसन का वो था इंस्ट्रूमेंट था उस समय भी सारी चीज़ें एक दूसरे से कंसल्ट करके हो रही थी तो ये कहना हाँ ये जरूर मैं मानता हूँ कि नेहरू ने कश्मीर में कुछ गलतियाँ की और लेकिन वो बाद के दिनों में कि 1953 में जब उन्होंने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया वो एक ब्लंडर मैं मानता हूँ लेकिन अदरवाइज़ उस दौर में गांधी सॉरी नेहरू और पटेल दोनों साथ साथ बात करते थे कश्मीर पर दोनों एक साथ तो अगर उस समय कोई गलतियां की गई तो आई थिंक पटेल उस गलती में हिस्सेदार हैं साथ ही साथ एक ये भी मुद्दा उठाया गया कि एक रेलवे लाइन का जिक्र हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको निर्माण का आदेश दिया था पर दो से चौदह के बीच उस पर कोई निर्माण नहीं हुआ तथ्यों को देखा जाए तो वो भी गलत है आपने लगातार कहा कि एक प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए अब तो फिर अगर वो स्पीच अगर देना चाहते थे तो वो किस तरीके का भाषण होना चाहिए था हाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने देखिए एक तो ये मैं कहूँगा कि जैसे वो बार बार कह रहे थे कि भाई अब ये भी तथ्यतः गलत है और कोई भी इतिहास का विद्यार्थी इस पर हंस सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री पर अगर कोई विद्यार्थी हंसता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है अब वो कहते हैं कि विभाजन जो है पार्टीशन जो है कांग्रेस ने किया मैं कांग्रेस को कहीं से बचाऊ उसका नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस ने एक से एक गलतियाँ की जिसकी वजह से देश जो है दुर्दशा का शिकार हुआ है और सच पूछिए तो आज अगर आर एस बैक्ड आइडियोलॉजी और पार्टी अगर सत्ता में है तो वो भी कांग्रेस के कमियों के कारण है और कांग्रेस की ब्लेंडर्स या गलत नीति के कारण है उसमें एक बड़ा योगदान है उसका आ, आ, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि बंटवारा कर दिया इन लोगों ने गांधी नेहरू अरबी बंटवारा के बहुत सारे फैक्टर्स हैं आप इस पर सैकड़ों किताबें एक नहीं अनेक किताबें लिखी गई अभी भी लिखी जा रही हैं किताबें कुछ अच्छी फिल्में तक बनी हैं तो आरएसएस और बीजेपी या कोई भी विचारधारा हो मुझे लगता है वो नेता सुनी सुनाई बातों पर बोलते हैं लेकिन प्रधानमंत्री को गृह मंत्री को लीडर ऑफ अपोजिशन को किसी भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट को सुनी सुनाई बातों पर नहीं बोलना चाहिए भाई आप कहते हैं कि उन्होंने विभाजन किया लेकिन आपने आपकी पार्टी ने आपकी विचारधारा ने तो ये देश एक है आज इसी के अंदर इतने गहरे विभाजन कर दिए हैं सारे समाजों सारे समुदायों सारी बिरादरियों को आपने विभाजित कर दिया है ऐसा विभाजन माफ़ कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी समाज में दिखा नहीं था और शायद उसकी वजह ये रही हो कि उस वक्त अलायंस की गवर्नमेंट थी इन इन ट्रू सेंस आज भी अलायंस की सरकार है लेकिन पूर्ण बहुमत आरएसएस बीजेपी का है तो ये एक बड़ा बात है दूसरा जैसे उनको उठाना चाहिए था उन्होंने एक कहा एक अजीब बात कि विपक्ष जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग जो हमारी है वैश्विक रैंकिंग उसको एप्रिसिएट नहीं कर रहा है तो मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए और वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के उनके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि इस वक्त भारत जो है अभिव्यक्त की आजादी में एक नंबर पर है एक सौ अस्सी मुल्कों की लिस्ट में एच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक में एक नंबर पर है असमानता के इंडेक्स में भारत 135 नंबर पर है एक में और जेंडर गैप जो है उसमें एक में एक है अभी अभी हंगर इंडेक्स कुछ महीने पहले आया था जिस पर मीडिया में इतनी बात हुई उसमें हम सौवें नंबर पर खिसक गए हैं जबकि एक साल पहले 97 पर थे तो मेरे को लगता है कि ये जो फैक्ट्स हैं इनको उनको चेक करके बोलना चाहिए दूसरी बात कि आज की तारीख में उनको जब भी इस देश में कोई बड़ी घटना होती है बड़े हाथ से होते हैं विभाजनकारी कोई 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 घटनाक्रम दर्ज होते हैं मोदी जी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं वो बोलते ही नहीं हैं मैं कहता हूं कि अगर भारत का प्रधानमंत्री एक बार कुछ कमेंट करता है तो अगर कोई संगठन कोई विचार के लोग कुछ अनाप शनाप कर भी रहे हैं तो उन पर रोक लगती है जैसे वाजपेयी वाजपेयी ने गुजरात के दंगे के दौरान कहा कि सत्ता को राजधर्म अपनाना चाहिए एक असर पड़ा लोगों को रिजाइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा ये अलग बात है कि रिजनेशन एक्सेप्ट या वो नौबत नहीं आई लेकिन स्थिति आ गई थी कि आ, 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 शायद सत्ता पर एक सवाल था तो मेरे को लगता है कि ये मोदी जी को जरूर करना चाहिए बहुत बड़ा देश है वो बार बार कहते हैं लेकिन जो कहते हैं उसके ठीक उल्टा करते हैं कि पार्टी और राजनीति अपनी जगह रहेगी लेकिन देश जो है वो बहुत बड़ा है देश हमेशा रहेगा तो देश के लिए उनको सोचना चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखने लायक है कि ये जो बजट ये जो भाषण आता है ये बजट के तुरंत बाद आ रहा है और बजट में लगातार चाहे वो शिक्षा हो चाहे हेल्थ हो हर चीज में कटौती है एक बड़ा मोदी केयर नाम का उन्होंने घोषणा तो कर दिया है पर ओबामा केयर जैसा, जैसा पर उसका बजट की जो जो रिक्वायरमेंट है वो तीन गुना है ओरिजिनल हेल्थ बजट से उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है exactly, एग्जैक्टली और आप इस बार का अगर हेल्थ बजट का एक्चुअल आप देखिए उसका वो तो पिछले वर्ष के बजट का जो था संशोधित की बात मैं कर रहा हूँ जो जो संशोधित उससे कम है उससे कम हुआ है दूसरी बात कि आप भारत जैसे महादेश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी हेल्थ केयर से वंचित है अब उसको इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स पर लाना चाहते हैं भारत में इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर संभव ही नहीं है आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक रिक्शा पुलर एक पकौड़ा बेचने वाला जिस पे आपको बहुत नाज है कि पकौड़ा से देश में नया शास्त्र विकसित हो सकता है वो पकौड़ा बेचने वाला एक खोमचे लगाने वाला वो क्या मैक्स और मैदानता और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के दरवाजे में घुसते हुए डर लगेगा उसको कैसी बात आप सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी इन चीज़ों पर न केवल अव्यवहारिक हैं बल्कि कहीं ना कहीं उनकी नीतियों से जो बड़े कारपोरेट हाउसेज़ हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में हेल्थ के क्षेत्र में उतर रहे हैं जो कंपनी बना करके उनको मदद पहुंचाने वाली हाँ ये सबसे अफसोसनाक है कि देखिए हमारे जो बेहतरीन शिक्षण संस्थान हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उनकी जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शेप ले रहे हैं आकार ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज अपना रहा है हमें बड़े पैमाने पर अपने पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं हेल्थ में और एजुकेशन में उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी इतने बड़े जनादेश का मतलब यही अच्छा। था उबली जी ये दो के बाद ही देखने को मिला है कि ये जो संसदीय प्रणाली में ये जो भाषण है उनका स्तर लगातार गिरता जा रहा है एक तरफ मोदी जी तो ये बात कर ही रहे हैं अमित शाह राज्यसभा में जाते हैं और कहते हैं कि पकौड़ा बेचना बेरोजगारी से ज्यादा अच्छा है जबकि एम्प्लॉयमेंट जब की जब हम बात करें तो वो लगातार कम होती जा रही है वादा आपका दो करोड़ जॉब्स का था हर साल exactly. और आप लाख जॉब्स भी नहीं प्रोवाइड कर पाए सत्तर लाख की बात कर रहे हैं अब आप ये इस इस पूरे प्रक्रिया को आप किस तरह से देख रहे हैं आप जो संसदीय बहसों के स्तर गिरने की बात कर रहे हैं चूँकि मैं मैंने जैसे पहले कहा कि मैं लंबे समय तक कवर करता रहा हूँ देखिए मैं कोई रेणुका चौधरी जी का प्रशंसक नहीं हूँ आ, उन्होंने एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ एक बार बदसलूकी की थी अखबार की सुर्खियों में वो खबर थी मैं कोई प्रशंसक नहीं हूँ लेकिन मेरा ये कहना है बस और इस पर विचार करें स्वयं जो लोग आज उनके खिलाफ़ विश्वमन कर रहे हैं कि क्या कोई महिला की तेज़ हंसी आपको बर्दाश्त क्यों नहीं है पुरुष जो सांसद हैं पुरुष जो विधायक हैं मैं एथेंटिक जो आंकड़े हैं उसके आधार पर कह रहा हूँ वो हाउस के अंदर चाहे विधानमंडल हो चाहे संसद हो वहाँ जाकर माइक तक तोड़ देते हैं कपड़ा फाड़ देते हैं तमाम तरह के अनाप शनाप चीज़ें कर सकते हैं वो आपको आपत्तिजनक उतनी नहीं लगती हैं जितनी एक महिला की हंसी अगर वो तेज हंसती है तो क्यों भाई मैं कहता हूँ कि ठीक है आ, 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 आप आ, आ आप शालीनता की अपेक्षा सबसे करते हैं लेकिन ये कैसे है कि आप एक महिला को आ, आ, किसी मिथकीय चरित्र से जोड़ते हैं जिसके बारे में भारत की आ, खासकर उत्तर भारत की जो आवाम है उसके बड़े हिस्से में एक धारणा है कि वो गलत थे निगेटिव कैरेक्टर्स थे तो ये जो पहलू है और, और उसको डिफेंड कर रहा है दूसरा एक मंत्री इस सरकार का और वीडियो जारी कर रहा है आई मीन ये बताता है कि इस वक्त संसदीय बहसों का स्तर किस हद तक गिर गया है और 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 जो आप कह रहे थे कि माफ़ कीजिएगा क्या दूसरा जो पहलू था इम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट का जो पहलू है अब इस मामले में जो जो जिस तरह की नीतियां हमारी हैं स्वयं सरकार ने मान लिया है कि इस वक्त खासकर नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज से खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ी है स्वयं कई बार अखबारों में आ, ऐसे अखबार ऐसे चैनल जो मानते हैं कि वो सत्ता के करीब हैं या जिनको हम लोग मजाक में शाम को कहा करते हैं कि मृदंग मंडली या भजन मंडली वो भी आंकड़े दे रहे हैं वो भी रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि जो अनाग सेक्टर है कैसे वहाँ पर बहुत बुरी तरह से घटोत्तरी हुई है एम्प्लॉयमेंट की लेकिन इसके बाद भी ये नहीं सोचा जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में इस वक्त सरकार को कंसन्ट्रेट करना चाहिए ताकि फिर से वो जनरेशन कर सकें इंप्लॉयमेंट का अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसके अलावा छोटे जो उद्योग हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है जो भी इस वक्त ध्यान है बड़े कारपोरेट हाउसेज पर अभी आई मीन मैं वायर की स्टोरी देख रहा था कि किस तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं जो बिल्कुल करीबी सत्ता के हैं कैसे उनको बेनिफिट मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर और ये इससे भी साफ हो रहा है कि जहाँ जो वेल्थ का तिहत्तर प्रतिशत हिस्सा देश के एक प्रतिशत लोगों के पास है तो ये दिखा रहा है कि इन जो है वो किस तरीके से तेजी से बढ़, बढ़ ग्रो कर रही है स्पेशली 2014 के बाद से और और वहाँ पे मोदी जी गए भी थे आमिन दावोस में आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है वो गए लेकिन आक्सफैम की रिपोर्ट जब आई उस पर उन्होंने कोई कमेंट दावोस में भी उन्होंने छः करोड़ जनता के जनता की बात की जबकि तो ये कोई कमेंट नहीं करते हैं जब भी कोई मैं कहता हूँ कि आत्मालोचना होनी चाहिए आप स्वीकार करें कि क्या क्या हम हो रहा है मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सब आप ही दोषी इसके लिए हैं मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप ही दोषी हैं सारी जो दुर्दशा है भारत की नो no, पहले की भी सरकारें दोषी हैं क्योंकि लेकिन उन नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए कि भई मनमोहन सिंह की सरकार की जो नीतियां थी उनमें क्या गलती है आज क्या होना चाहिए कोर्स करेक्शन दूसरी बात कि मनमोहन सिंह वो आप रोज़ पानी पी पी कर कोसते हैं लेकिन कश्मीर दस वर्षों में उनके कार्यकाल में पटरी पर आ चुका था मैं स्वयं कश्मीर फ्रीक्वेंटली हर साल दो तीन बार जाता था और अभी भी बीच बीच में जाने की कोशिश करता हूँ उस समय होटलों की आकुपेंसी का हाल ये था कि कई बार वेट करना पड़ता था हम लोगों को कि होटल में जो कमरा नहीं है आज हालत ये हो गई है कि होटल खाली के खाली हैं टूरिज़्म खत्म हो गया है लोग तबाह हैं मिलिटेंसी बढ़ गई है टेररिज्म बढ़ गया है ये किसकी विफलता है हमारे जवान मारे जा रहे हैं आप जो हैं जवान सारे किसानों के घर के बच्चे हैं सारे मजदूर के बच्चे हैं सारे साधारण लोगों के बच्चे हैं आप दोनों देशों के जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों अपनी अपनी अपने अपने जो धनवाद में अपने बेनिफिट में अपने कारोबार में एक तरह से युद्ध लगातार युद्ध हो रहा है पहले होता था कि लड़ाई इकहत्तर में होती थी पैंसठ में होती थी या करगिल में घुसपैठ हो गई अभी लगातार युद्ध का माहौल है सच पूछा जाए तो कश्मीर के अंदर ये स्थिति है और सरहद पर एक कंटिन्यू तो जबकि सरकार आप वहां बना रखे हैं जी जी तो उपलेश जी आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से मीडिया हाउसेस ने दिखाया कि ये 2019 का चुनावी बिगुल है और जो आक्रामकता थी वो भी उसी प्रकार की थी जी. इस पूरे जो भाषण है इसका असर क्या होगा देखिए असर तो आ, मैं समझता हूँ कि आ, आपने बिल्कुल सही कहा कि दुर्भाग्य यह है कि अपने देश का जो मीडिया है वो अवाम के लिए या जनतंत्र के लिए अब नहीं खड़ा हो पा रहा है या नहीं आवाज़ दे पा रहा है वो ऐसा लगता है कि वो नथी हो गया है आई मीन जैसे जैसे किसी एक, एक गुट के लिए एक सत्ता के इर्द गिर्द बिल्कुल जुड़ गया है तो वो सच को कहने में संकोच कर रहा है और ये मैं नहीं मानता कि केवल किसी भय की वजह से भय भी है लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी आर्थिक आ, अपने फ़ायदे भी हैं मीडिया के और मीडिया के हाउसेस के तो आ, लेकिन अब देखिए आप आज की तारीख में ही आ, हम देखें रक्षा सौदों की बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय वो फोर्स हुआ ये हुआ पनडुब्बी हुआ लेकिन राफेल के बारे में आप ये बताने को नहीं तैयार हैं कि भाई वो सौदे में कितनी एक विमान पर कितना आया है पैसा ये कोई नहीं डिटेल मांग रहा है कि सारी शर्तें क्या हैं एग्रीमेंट की लेकिन इस पर भी आप कह रहे हैं कि सेक्रेसी जो लॉ प्रोविजन्स हैं उनका ये वायलेशन है वो उसको वायलेट करेंगे अरे भाई ये जानने का तो भारत के लोगों को जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अधिकार है इस देश की एक एक जनता को अधिकार है कि एक जो विमान आ रहा है वो कितने पैसे का है और क्यों इतने पैसे का है तो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ही हैरत हैं और साधारण सी साधारण चीज़ों को भी जो पहले कभी कभी होता हम लोगों ने देखते देखते थे कि मीडिया में आती थी लेकिन अब मीडिया वाकई मृदंग मंडली बन गया है एक एक शाम को हर दिन टेलीविज़न चैनलों के बड़े हिस्से में मृदंग बजना शुरू हो जाता है और अखबारों का जो हाल है आ, मैं ये तो ज़रूर मानूंगा कि कम से कम जो प्राइवेट चैनल्स हैं मीडिया टेलीविज़न के उनसे थोड़ा बेहतर है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन वहाँ भी एक सेल्फ सेंसरशिप है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है तो ये सबसे ख़तरनाक मंज़र है और ऐसे दौर में मैं समझता हूँ कि जनता पर और जनता के लिए काम करने वाले लोगों पर ज़्यादा जवाबदेही है जब मीडिया और दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा हुआ है कि मीडिया ने सत्ता जो शासक जो वर्ग होता है उसके साथ बिल्कुल नत्थी हो जाता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस, इस देश के लिए आज है शुक्रिया गुरेश जी और लगातार ऐसे ही मुद्दे हमें लगता है कि जब तक चुनाव नहीं आते हैं ये आते रहेंगे और हम ऐसे मुद्दों पर आप चर्चा करते रहेंगे धन्यवाद न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद